सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को साफ व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के छतरीपुर गांव में कुल 8 हैंडपंप लगे हैं, जिसमें से 5 खराब हैं, जिसके कारण इस गांव की निवासी ननकी देवी सहित 700 लोगों को पानी के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है कि सुबह उठी थी, पानी की दिक्कत है, लैटरिन जाए थी तो पानी नहीं है, और फिर घूमर से आई थी तो बर्तन मांजे का, चूल्हा पोते का पानी नहीं है, गांव में पानी भर जाए, लड़कन का नहावे धोवावे का वो पानी नहीं है, किसी में पानी भर जाते हैं तो जिससे हम पाए थे अपन निजी में पानी नहीं भरने देते हैं, ताला दे लेते हैं, तो गांव में पानी भर गए थे, गोरु बछेरु पाले हैं उसको पानी पीने का नहीं मिलता है, हमको नहाने का नहीं मिलता, पिए का नहीं मिलता है। और जहाँ आप रहती हैं उस समुदाय के बीच में हैंडपंप है? नहीं है। आपके घर के पड़ोस में हैंडपंप है? हाँ, है। कैसा है वो? बिगड़ा है, ध्वस्त है, पानी नहीं निकालता। कब से खराब है? अरे सालन हो गया। बिजली आ जाती फिर कहाँ से लाती हैं आप पानी? जहाँ हम बोर हैं, मशीन चली हुई, जाई थी कहीं इधर जाई थी निहालपुर, कहीं इधर गांव में जाई थी कंघार में, जहाँ जहाँ मशीन सगल पता लगा के जाई थी। हमारे गांव में समस्या ये कि हमारे कितना बम्बा है, और जो 4-5 बम्बा है वो बम्बा में जो है 8 बम्बा में 5 बम्बा बिगड़े हैं। खराब होने से आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? पानी की दिक्कत होती है, न पानी सुबह मिलता है न शाम को मिलता है, जब मशीन चलती है खेत सींचा जाता है तब पानी मिलता है पीने का, नहीं पानी नहीं मिलता पीने का। आप पानी कितनी दूरी से लाते हैं? 1 किलोमीटर से लाते हैं नहर के पास से। प्रधान से कहा जो एक दार, तो प्रधान सुन के रह गया, फिर उसके बाद जो उन्हें कोई सूचना नहीं दिया प्रधान ने। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कड़ा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-44-45-75 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि इनकी समस्या को दूर कराने में मदद मिले। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।